वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांत राजपूत 14। मैं सभा राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बत्रा से 20 किलोमीटर दूर आ पहुंचे हैं अड़िंग में। अड़िंग में हमें एक प्लेनमा जगह दिखी थी, जहां के स्थानीय लोगों से हमने जानकारी ली और पूछा तो ये काफ़ी टाइम पहले एक भव्य किले के अवशेष हैं, जो कि काफ़ी भव्य हुआ करता था और काफ़ी विशाल हुआ करता था। दोस्तों, आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें वर्तमान समय में क्या क्या बना हुआ है और क्या क्या इसके अवशेष मात्र रह गए हैं। आज हमारे साथ यहाँ के एक बंधु हैं, जो कि हमारे मित्र हैं, जिनका नाम आशीष होला है। आज हम इनके साथ इस किले को एक्सप्लोर करेंगे और लेंगे इस किले के बारे में कुछ जानकारी। आज हम किले के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और दिखाएंगे ये किला कितना बड़ा बना हुआ है। तो भाई, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताओ। ये अज्ञासी कुआ है जो आपको दिखना है, और ये हाथियों की नाल लगा करती थी। नाल लगा करती थी हाथी? हाँ, ये पहले बहुत ऊंचा था, अब तो पता नहीं इसका मतलब क्या मतलब हुआ। उसके ऊपर हाथी पानी खींचा करते थे, अज्ञासी कुआ से ऊपर जगह जो कुआ है। हाँ, कुआ है पूरा, और ऊपर से हाथी खींचा करते थे पानी। वो बन रहे हैं, उनके रस्सी वगैरह सब कुछ बनना है। ऊपर जाके देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा। हाथी पानी वगैरह खींचा करते थे इधर। ये 8 साल से 5 साल है ये इसमें ये बताते हैं, पकड़ किया इसमें ये बताते हैं कि राजा और रानी दशहरे मतलब उसको दिवाली वाले दिन निकलते हैं। इसमें आज भी राजा और रानी इस कुएं में से निकलते हैं, घाट वाट निकलती है, पता निकलते हैं अब भी। अच्छा, घूमते हैं यानी एक साल में एक दिन ऐसा होता है जो उसका जो राजा था और रानी थी जिसने जो बनवाया था वो आज भी निकलते हैं। आज भी दिखते हैं यानी अभी पूरे उसका भ्रमण करते हैं। आइए मैं अपने कैमरा में, मेरे भैया लो भाई शूट करना एकदम। अंदर जाओ, ऊपर जाके डरो मत, आ जाओ सब आ जाओ। मेरा यार दियो, ये बहुत ही ले मैं आ रहा हूँ यार। आज इन्हें मैं पसीना पसीना तो करीब लूँ। फोड़ दियो ये गेट, बनाया होगा ऐसे ही। ये भी गेट बने हैं अंदर 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 पानी में निकलने के लिए इसमें गेट बन रहा है। अच्छा, ये बंद कर दिए। मैं कहता था ना आधी पानी खींचा करते थे ये बंदे पानी। हाँ, ऊपर देखो वो अंदर पानी खींचा करते थे हाथी। इसमें एक जाल लगा हुआ है अंदर अंदर। हाँ, अंदर जाल लगा दे ताकि कुछ गिरे तो वो ज्यादा गहरा ना जाए इसमें अंदर। पहले यहाँ तक था, यहाँ तक आ जाता पानी कभी जो आता है। अच्छा, अपने आप ही आ जाता है इसमें, उठ जाता पानी। अच्छा, बस ये अब तो गंदा कर दिया है लोगों ने, कई लोग मर भी गए। अच्छा, ये तो हॉन्टेड भी बोल सके। दूर रही हो रहे कहीं पता पड़े तो नीचे दूर रहे आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे का एक बेहतरीन और अनटच व्यू जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर एक ये गेट है और इसके ऊपर एक द्वार और है। कहा जाता है कि इसके ऊपर से ही हाथियाँ पानी खींचा करते थे। हाथी जो हुआ करते थे वो पानी खींचा करते थे इस कुएं में। चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ इसके आगे और दिखाता हूँ एक और बेहतरीन जगह, जो कि एक गुफा है, जो कि इसी किले के अंदर होकर राजा को, जैसे कहते हैं कि चोर रास्ता, राजा अगर किले को घेर लिया जाता है दुश्मनों द्वारा तो राजा वहां होकर कैसे सेफली निकला करते थे अपने परिवार के साथ। चलिए दोस्तों, दिखाता हूं वह गुफा जो कि ऊपर इसके बनी हुई है और काफ़ी लंबी जो जाती है। आज वर्तमान समय में वो गुफा जर्जर अवस्था में है, पर जैसी भी अवस्था में हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक।
और दिखाएंगे इसके अंत में बचा हुआ इस किले के महल के और इसके पेशमेंट के अवशेष, जिसमें कहा जाता है कि अरबों और खरबों की संपत्ति रखी हुई है। दोस्तों ये वही गुफा है जो मेरे नीचे आप देख रहे हैं, छेद जगह जो छेद हो गए हैं या गड्ढे हो गए हैं, ये वही गुफा है जो कि कभी राजा अपने बचाव के लिए यूज़ किया करते थे। चलिए आपको दिखाता हूँ आगे से, इसकी जो छत गिरी हुई है गुफा की, उस जगह से इस गुफा को दिखाता हूँ। ये हमारे पीछे वही बुर्ज नुमा जगह है जो कि कुआ है। यह दोस्तों आप देख रहे हो इस मेरे बगल में, यह गुफा वही है जो फूट चुकी है, ढह चुकी है। यहीं होकर राजा अपने परिवार के साथ भागा करते थे या चोर रास्ते से निकल जाया करते थे। चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं आगे चल के इसके महल के अवशेष जो कि आज वर्तमान समय में रह गए हैं। दोस्तों इस किले की एक और दिलचस्प कहानी है, बहुत ही दिलचस्प, जो कि हम आपको आगे बताएंगे ज़रूर और दिखाएंगे भी ज़रूर वो जगह भी। यहाँ कहते हैं कि अरबों का खजाना एक दरवाजे के पीछे छुप छुप। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ इस किले के ऊपर और दिखाता हूँ थोड़ा इसके बेहतरीन एक व्यू जो कि आप देख चुके हैं। यहाँ दोस्तों एक रखरखाव के लिए पुरातत्व विभाग ने एक आदमी को रखा हुआ है। इससे पहले एक और रहा करते थे प्रभु, पुरातत्व विभाग के आदमी नहीं थे। उसकी कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक वही मात्र ऐसे बंदे थे फौदा सिंह जी के बाद जो कि उस खजाने तक पहुंचे थे। ये दो दोस्तों देख रहे हैं किले के चारों ओर का एक बेहतरीन और अनदेखा व्यू, काफ़ी सुंदर ये व्यू है। अगर हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वही महल का अवशेष जो कि रह गए हैं। दोस्तों चलिए आपको उधर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस किले में अब क्या क्या बना दिया गया है या क्या क्या इस किले की ज़मीन को घेर कर बनाया गया है। चलिए दोस्तों आपको इस किले की निर्माण की एक दास्तान सुनाता हूँ कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इस किले का निर्माण राजा अनंगपाल देव ने करवाया था। अनंगपाल देव के वंशज जाट राजा फौदा सिंह ने 17वीं शताब्दी में इस किले का भव्य और बहुत विशाल रूप दिया था। फौदा सिंह के राजकाल में अड़िंग काफ़ी अच्छा और खुशहाल राज्य माना जाता था दोस्तों, या आप कह सकते हैं शहर माना जाता था, जो कि अब दोस्तों हम आ चुके हैं इस महल के खंडर में जो कि आप देख रहे हैं बादशाही ईंटों से इसको बनाया और नक्काशी जो बेहतरीन इसमें आर्किटेक्चर दिया है काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों ये इसी किले के गिरे हुए या महल के अवशेष हैं जो कि आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों इसके अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इसके छत का एक बेहतरीन व्यू जो आप देखा है। बनावट शैली बादशाही ईंटों से इस किले को बनाया गया है, चूना पत्थर की चिनाई से। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से कभी सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो जाया करती थी। इसको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन डिज़ाइन देकर बनाया है इसकी छतों को और इसको रहने के लिए दोस्तों महल को काफ़ी सुंदर जी अपने समय में हुआ करता था, पर आज मात्र अवशेष ही रह गए हैं। ये इसकी दूसरी साइड का व्यू है दोस्तों जो कि पुरातत्व विभाग के हाथों संरक्षित किया गया है। इसी के नीचे दोस्तों इसका बेसमेंट है जिसकी हम दीवार दिखाने आपको ले चलेंगे जो कि रास्ता नीचे होकर गया है और बताएंगे उस बेसमेंट की भी कहानी। तो दोस्तों चलिए इसकी एक कहानी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि अड़िंग का प्रांत
प्राचीन नाम जो था द्वापर युग में अरिष्टा नाम के असुर के ऊपर रखा गया था, अरिष्टा वन। तो अरिष्टा वन हुआ करता था दोस्तों, यहाँ पर अरिष्टा नाम का एक असुर रहा करता था द्वापर युग में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टा सुर को मारकर इस जगह पर उसका वध किया था, अरिष्टा सुर का। तो इसलिए इसका प्राचीन नाम अरिष्टा भी माना जाता है। और दोस्तों इसका अरिष्टा के बाद अड़िंग नाम कैसे पड़ा वो भी एक रोमांचक कहानी है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। मुगलों के शासनकाल में चाट खुटेला राजाओं ने अपनी अड़िंगता और हठता पर अड़े रहने की वजह से इस जगह का नाम अड़िंग पड़ा था दोस्तों। ये इसकी वो कहानी है जो कि इसका नाम अड़िंग कैसे पड़ा। अब दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं इसके आगे का और एक ऊपर का। हम अपने दोस्त कैमरामैन दीपक शर्मा से कहेंगे कि ऊपर से पूरे शहर का एक व्यू आपको ज़रूर दिखाएं। ये दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय में वो जो कुआं हुआ करता था वो बंद कर दिया है। कुआं नहीं, यहाँ से एक बेसमेंट के लिए चोर रास्ता जो कहते हैं जाया करता था वो फिलहाल बंद कर दिया है सुरक्षा के नज़रिए से। ये इसके अंदर का एक कमरा है जिसका आप छत का आर्किटेक्चर देख सकते हैं दोस्तों। सिर्फ ईंटों की दीवार ही बनी हुई है और ये दीवार भी काफ़ी मोटी है, लगभग 3 से 4 फीट मोटी इस दीवार का। काफ़ी बेहतरीन रख रखाव इस टाइम आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी ये दीवार आज भी दिखाई दे रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आगे और बताते हैं एक और कहानी। दोस्तों यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ एक बाबा रहा करते थे जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से इसमें रह रहे थे। तो दोस्तों उनको दिन में तो वो अड़िंग में मांगा करते थे खाना पीने के लिए। और ये आप जो देख रहे हैं इसके सामने का एक बेहतरीन व्यू जो कि प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये इसका प्रवेश द्वार है जो कि काफ़ी शानदार बना हुआ है आज भी। चलिए दोस्तों अब मैं अपने कैमरामैन दीपक शर्मा जी से कहूँगा कि वह ऊपर जाके आपको एक बेहतरीन व्यू दिखाएं इस किले का। जी दोस्तों इसके ऊपर का व्यू जो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर और बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये इसके सामने स्कूल है दोस्तों, इसी किले की ज़मीन पर ये स्कूल भी बना हुआ है। इसके ऊपर आप देखेंगे कवरानुमा जगह जो दिखाई दे रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी बेहतरीन इसकी आर्किटेक्चर और दीवार जो कि काफ़ी बेहतरीन इसमें डिज़ाइन दी गई है दोस्तों। ये इसके पूरे किले के अवशेष जो कि आज वर्तमान समय में फूट कर गिरे हुए जो रह गए हैं दोस्तों वह ये अवशेष हैं। और कहते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक इस किले के फूटने के बाद खंडर जो दीवारें गई थी जो कि काफ़ी दूर दूर तक थी दोस्तों। इसमें आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाई दे रही होंगी, आपको यहाँ पहले पेंटिंग्स हुआ करती थी जो कि काफ़ी टाइम पहले बताते हैं लोग यहाँ हुआ करती थी। अब तो शायद आपको इसके कुछ कलर्स मात्र ही नज़र आ रहे होंगे जो कि रह गए हैं इस टाइम, बाकी तो सब ख़त्म हो गया दोस्तों। चलिए आपको दिखाता हूँ इसके बाहर का एक बेहतरीन व्यू जो कि ये पूरा शहर इस किले की ही ज़मीन को घेर कर बना हुआ है। चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूँ आगे और उसके आगे का व्यू दिखाता हूँ उस दीवार को जिसके पीछे एक विशाल काय दरवाज़ा और विशाल काय दरवाजे पे लगा हुआ एक विशाल काय ताला जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग को मिला था और उन्होंने उसे छुपा दिया। क्यों छुपा दिया, इसका क्या रीज़न है वह तो हम नहीं जानते, पर यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि वह फौदा सिंह का राजा फौदा सिंह जो कि
अड़िंग के राजा थे, उनके खजाने का बेसमेंट है, उसी बेसमेंट में खजाना योगी फौदा सिंह जी का रखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे दीपक शर्मा मेहनत करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, खतरों को मोल लेते हुए दिखा रहे हैं आपको इसके आगे का बेहतरीन व्यू। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से होप करता हूँ कि अब 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे करवा देंगे। और दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इस पूरे गांव का एक बेहतरीन व्यू जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। दोस्तों, कहा जाता है कि वो बाबा को उस खजाने का पता चल गया था, या कहें कि वो बाबा इस किले के खजाने तक का जाने का रास्ता उसने ढूंढ लिया था, पर मरते मरते वह किसी को भी वह राज बताकर नहीं गया। तो माना जाता है कि आज भी इस किले में अपार संपत्ति मौजूद है और काफ़ी लोगों को यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के भी मिले हैं, या कह सकते हैं बर्तने भरे हुए मिले हैं सोने और चांदी के सिक्कों से। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं अब नीचे और दिखाते हैं इसके उसका व्यू जिसके बारे में हम कह रहे थे, इसके बेसमेंट का। चलिए दोस्तों, ये हमारे कैमरामैन दीपक शर्मा जी जो कि आपको अभी ऊपर का व्यू दिखा रहे थे अपनी जान का जोखिम लेते हुए। दोस्तों, इनकी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों हम आ गए हैं अब महल के नीचे वाले हिस्से पर, यानी कि बेसमेंट के हिस्से पर, जो कि थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा। ये ऊपर इस महल के अवशेष जो आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। वैसे तो दोस्तों काफ़ी बड़ा और ये आज भी है किला, जो कि इसके मात्र अवशेष रह गए हैं और इसकी काफ़ी ज़मीन को घेर लिया गया है। यह बोर्ड लगा हुआ भारतीय सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है इसे। और अब हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, आपको हम आगे दिखाएंगे वह जगह जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे पूरी वीडियो में। उसी जगह पर आपको ले जाया जा रहा है, ले चल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, इस महल के आज भी फूटे हुए अवशेष यहाँ तक की घिरे हुए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि इसी किले की ईंटों से यहाँ के मकान भी जो कि बने हुए हैं। और दोस्तों, इसकी एक फेमस कहानी और है जो कि हम आपको बताएंगे। ये इस किले महल के अवशेष दोस्तों, यह आपको मेरे सामने दीवार जो दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यही इस किले का बेसमेंट है, यानी अंडरग्राउंड तहखाना जिसे कहते हैं। इसी में रखा हुआ है राजा फौदा सिंह की अपार संपत्ति का राज। और अपार संपत्ति दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जब खुदाई की थी दोस्तों, एक समय था जब पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ पर खुदाई की थी, तब खुदाई के दौरान उनकी जेसीबी में इस बेसमेंट का एक
ताला जो कि दरवाजे पे लगा हुआ था वह फंस गया था और उस जगह से मिट्टी जब गिरी और पुरातत्व विभाग वालों ने और गांव वालों ने देखा कि एक बहुत ही विशाल दरवाजा जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था उसको देखकर रातों रात उसको दोबारा ढकवा दिया गया पुरातत्व विभाग वालों ने। और आज तक एक राज बना हुआ है दोस्तों। ये दीवार आप जो देख रहे हैं ये उसी बेसमेंट की दीवार है जो कि काफ़ी ऊंची आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। और काफ़ी हद तक इस किले को इस तरीके से बनाया गया था कि इस पर अगर कोई आक्रमण करे तो हाल ही इस किले पर विजय प्राप्त ना कर सके, क्योंकि आप इसकी सीधी खड़ी हुई दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। ये स्कूल है दोस्तों जिसके बारे में हमने बताया था, ये इसी किले के ज़मीन पर बना हुआ है। ये हमारे सामने जो आप मिट्टी का एक ढेर दिखाई दे रहा होगा इस दीवार से लगा हुआ दोस्तों, इसी के पीछे उस दरवाजे को बताया जाता है जिसके पीछे अपार संपत्ति यहाँ पर रखी हुई है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जेसीबी के कई जगह लग निशान भी बने हुए हैं इसको खोदे जाने के। यही वो सामने जो दिखाई दे रहा है इसी के पीछे एक दरवाज़ा है दोस्तों जो कि काफ़ी विशाल का एक ताले से बंद है। कहते हैं कि इसमें राजा फौदा सिंह के खजाने का एक रहस्य छुपा हुआ है। और दोस्तों अड़िंग में जब अंग्रेज़ों का राज हुआ था तब भी अंग्रेज़ों को राजा फौदा सिंह का खजाना नहीं मिला और राजा फौदा सिंह के बचे हुए साथी कह सकते हैं या उनके वंशज कह सकते हैं उनको यानी कि 84 जाटों को कुटेला जाटों को यहाँ पर फांसी भी दी गई थी जो कि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे आपको और नेक्स्ट वीडियो।